हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण कुमार शर्मा, योर हिस्ट्री टीचर। आई होप यू विल बी फाइन। टुडे वी विल रिज्यूम द लास्ट टॉपिक, लास्ट थीम, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, राजा और इतिहास, द मुगल कोर्ट बिटवीन 16 एंड 17 सेंचुरी। दिस इज द आवर लेक्चर फोर्थ रिलेटेड टू दिस थीम। फर्स्ट टॉपिक इज मेंशन द फीचर्स ऑफ अबुल फजल स्टाइल एंड लैंग्वेज। अबुल फजल की जो लिखने की जो शैली थी, कला थी, और या उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उसकी फीचर्स क्या हैं। द अकबरनामा वाज रिटन टू प्रोवाइड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर रीन। अकबर के शासन की ये इसमें पूरा विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, इन द ट्रेडिशनल डाइक्रॉनिक सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट इवेंट्स अक्रॉस टाइम। और उस समय जो इतने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे थे, उनका कालक्रमिक इसमें रिकॉर्ड किया गया है, और जो कि राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इवेंट थी। एज वेल इन द मोर नोवल सेंस, अगर हम, और साथ में ही एज वेल एज इन मोर नोवल सेंस ऑफ गिविंग ए सिंक्रॉनिक समक्रमिकता, यानी समन्वय, एक तरह से देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन, पिक्चर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, उसमें सारी चीजें आती हैं, अकबर्स एम्पायर्स, अकबर का साम्राज्य, ज्योग्राफिक सोशल, ज्योग्राफिक कंडीशंस, सोशल कंडीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल कंडीशंस विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी। और इसमें क्रोनोलॉजी का, यानी काल क्रम का कोई इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इन द आईने अकबरी द मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड एज हैविंग ए डाइवर्स पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स एंड ए कंपोजिट कल्चर। अगर हम आईने अकबरी की बात करें तो मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड, ये दिखाता है कि जो मुगल एम्पायर था वो, उसकी जो पॉपुलेशन थी वो डाइवर्स थी, उसमें सभी धर्मों के मानने वाले लोग, हिंदू, जैन्स, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स आदि, और एक प्रकार से कंपोजिट, एक मिश्रित कल्चर थी। अबुल फजल रोट इन ए लैंग्वेज दैट वाज ओर्नेट एंड अटैच्ड इम्पोर्टेंस टू डिक्शन एंड रिदम एज टेक्स्ट वर ऑफन रीड अलाउड। यानी अबुल फजल ने जो जिस लैंग्वेज में लिखा है वो एक उसमें एक अलंकृत भाषा थी, ओर्नेट का मतलब और समरूपी, एंड विच अटैच्ड, और उसमें जो डिक्शन यानी शब्दों का जो चयन है, और रिदम जो लय या ताल है, एज टेक्स्ट वर ऑफन रीड अलाउड, इस टेक्स्ट को हम चाहें तो इसको गाने के रूप में जोर जोर से बोलकर भी पढ़ सकते हैं। दिस इंडो पर्शियन स्टाइल वाज पैट्रोनाइज्ड एट कोर्ट। और इस प्रकार जो कोर्ट थे यानी मुगल दरबार थे, इस इंडो पर्शियन स्टाइल को वो संरक्षित करते थे, वो सपोर्ट करते थे, एंड देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स हु वांटेड टू राइट लाइक अबुल फजल। और उस समय बहुत सारे ऐसे राइटर थे कि जो अबुल फजल की तरह लिखना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक टू, राइट ए नोट ऑन अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी पर एक नोट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, ए प्यूपल ऑफ अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी इज नोन एज द अथर ऑफ बादशाह नामा। अबुल फजल के ये डिसाइपल थे, शिष्य थे, और ये प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक फेमस बुक बादशाह नामा लिखी। एम्परर शाहजहां हियरिंग हिज टैलेंट्स, बादशाह ने उनके टैलेंट के बारे में सुना था, कमीशन्ड हिम टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रीन। इसलिए उन्होंने उनको नियुक्त किया कि वे उनके शासनकाल के दौरान को के इस हिस्ट्री को लिखें, मॉडल्ड ऑन द अकबरनामा, जैसे कि अकबरनामा लिखा गया था। द बादशाहनामा इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ थ्री वॉल्यूम्स। ये बादशाहनामा थ्री वॉल्यूम्स, तीन एडिशन में, संस्करण में, एक ऑफिशियल सरकारी आधिकारिक इतिहास है, जिसे कि पर्शियन में दफ्तार्थ भी बोलते हैं, दफ्तार्थ ऑफ 10 ल्यूनर ईयर सीज। और इसमें हर दफ्तार में
टेन ही जो लूनियर या चांद के वर्ष थे जो कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार होते हैं, उनका उनका जो है डिस्क्रिप्शन वर्णन किया गया है। लाहौरी रोट द फर्स्ट एंड सेकंड दफ्तार्स कंप्राइजिंग फर्स्ट टू डेकेड्स ऑफ द एम्परर्स रूल। सबसे पहले उसने जो सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड दफ्तार लिखे उसमें शामिल थे कि फर्स्ट टू डेकेड्स ऑफ द एम्परर्स रूल, एम्परर के फर्स्ट टू डेकेड्स यानी पहले 20 सालों का वर्णन, यानी बादशाह जो बने थे शाहजहां 1627 में और 1647 तक, उनको 20 साल पूरे हो गए थे। और इस प्रकार लाहौरी ने 20 साल में का पहले डिस्क्रिप्शन किया था, वर्णन किया था, उसकी हिस्ट्री लिखी थी। दीज वॉल्यूम्स वर लेटर ए रिवाइज्ड बाय सादुल्ला खान शाहजहां वजीर, बाद में इनको लेटर इनको वॉल्यूम्स को रिवाइज किया था शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान के द्वारा। इन्फर्मिटीज ऑफ ओल्ड एज प्रिवेंटेड लाहौरी फ्रॉम प्रोसीडिंग्स विद द थर्ड डेकेड विच वाज देन क्रॉनिकल्ड बाय द हिस्टोरियन वाइज। ओल्ड एज की यानी जो वृद्ध आयु की ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स थी उसके कारण वो काफ़ी निर्बल हो गए थे अब्दुल अहमद लाहौरी इन्फर्मिटीज के कारण। वो थर्ड डेकेड यानी तीसरे दशक के नेक्स्ट 10 ईयर का हिस्ट्री नहीं लिख पा रहे थे, और तो उस हिस्ट्री को लिखा उनके ही डिसाइपल हिस्टोरियन वारिस ने। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन ए डाइक्रॉनिक अकाउंट। डाइक्रॉनिक पहले भी आ चुका है, डाइक्रॉनिक का मतलब होता है कि अपने समय की सारी घटनाओं को एक साथ लिखना, डाइक्रॉनिक और वो भी काल क्रमिक यानी काल के क्रम से, और साइनक्रॉनिक में काल का क्रम नहीं देखा जाता है, उसमें पीरियड और टाइम नहीं देखा जाता है। ए डाइक्रॉनिक अकाउंट ट्रेसिस, इसमें ट्रेस किया डेवलपमेंट्स ओवर टाइम, वेयर एज सिंक्रेनिक अकाउंट यानी जो टाइम के हिसाब से लिखा डाइक्रॉनिक अकॉर्डिंग टू टाइम, और साइनक्रॉनिक अकाउंट डिपिक्ट्स वन और सेवरल सिचुएशंस एट वन पार्टिकुलर मोमेंट पॉइंट ऑफ टाइम। उसमें सिंक्रोनिक में किसी भी सिचुएशन के बारे में किसी भी विशेष समय पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में लिखा जाता था। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 4 राइट ए नोट ऑन द ट्रेवल्स ऑफ द बादशाहनामा। बादशाहनामे ने कैसे ट्रेवल किया, वो कैसे इंग्लैंड तक पहुंच गए। गिफ्टिंग ऑफ प्रेसियस मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज एन एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक कस्टम अंडर द मुगल्स। मुगल में एक कस्टम थी जो डिप्लोमेटिक कस्टम थी, एक कूटनीतिक रिवाज था कि वो अपने गेस्ट को गिफ्ट करते थे एक प्रेसियस मैन्युस्क्रिप्ट, बहुमूल्य पांडुलिपि को, जो हस्तलिखित पुस्तकें होती थी उनको वो देते थे। इन एम्यूलेशन ऑफ दिस नवाब ऑफ अवध गिफ्टेड द इलस्ट्रेटेड बादशाहनामा टू किंग जॉर्ज थर्ड इन 1719 में। उस समय अवध के नवाब ने जो उस समय किंग जॉर्ज थर्ड थे उनके लिए एक गिफ्ट भिजवाया, और ये बुक थी इलस्ट्रेटेड यानी एक चित्रण करने वाली एक पिक्चर के साथ वर्णन के साथ बुक उस बादशाहनामा को भिजवाया था। और किसको भिजवाया था, किंग जॉर्ज थर्ड जो कि उस समय इंग्लैंड के एम्परर या सम्राट थे। सिंस देन तभी से सिंस देन इट हैज बीन प्रिजर्व, ये प्रिजर्व की गई है इन द इंग्लिश रॉयल कलेक्शन। इंग्लिश रॉयल इंग्लिश शाही जो कलेक्शन है लाइब्रेरी है नाउ एट विंडसर कैसल, और अब ये इस समय इंग्लैंड का जो विंडसर कैसल है विंडसर महल है उसमें रखी हुई है। इन 1994 कंजर्वेशन वर्क रिक्वायर्ड द बाउंड मैन्युस्क्रिप्ट टू बी टेकन अपार्ट, और 1994 में इस मैन्युस्क्रिप्ट का उन्होंने कंजर्वेशन किया था इस इंग्लैंड में। दिस मेड इट पॉसिबल टू एग्जिबिट द पेंटिंग्स
एंड इन 1997 इस प्रकार ये पॉसिबल हुआ कि एग्जीबिशन इसका प्रदर्शन किया गया इस बुक का द पेंटिंग्स एंड इन 1997 फॉर द फर्स्ट टाइम द बादशाहनामा पेंटिंग वर शोन इन द एग्जीबिशंस इन न्यू दिल्ली लंदन एंड वाशिंगटन। इस प्रकार 1997 में इसका एक साथ तीन जो एग्जीबिशन प्रदर्शनी में यानी दिल्ली लंदन और वाशिंगटन में इसको शो किया गया प्रदर्शन किया गया। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 5 राइट ए नोट ऑन एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी पर एक नोट लिखिए। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जॉन्स इन 1784 में सर विलियम जॉन्स ने बंगाल में यानी कलकत्ता में इस सोसाइटी को एस्टेब्लिश स्थापित किया गया था। अंडरटुक द एडिटिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ मैनी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। इस प्रकार उन्होंने जो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट थी, मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन बुक्स, उनको एडिट किया, उनको प्रिंट किया एंड ट्रांसलेशन और उनको उनका ट्रांसलेट अनुवाद किया। एडिटेड वर्जन जो ये जो संपादित जो संस्करण थे ऑफ अकबरनामा एंड बादशाहनामा वर फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में सबसे पहले जो उन्होंने पब्लिश किए थे और उसको एडिट करके पब्लिश किए थे वो दो थे, एक तो अकबरनामा और सेकंड बादशाहनामा। इन अर्ली 20th सेंचुरी द अकबरनामा वाज translated into English by Henry Beveridge after year of hard work। इस प्रकार अर्ली 20th सेंचुरी में अकबरनामा को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश राइटर हेनरी बेवरेजेज ने और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड लेबर या हार्ड वर्क किया था। ओनली एक्सेप्ट्स ऑफ बादशाहनामा हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश टूडे। आज तक सिर्फ जो उस बादशाहनामा के जो एक्सेप्ट हैं, उद्धरण हैं, उन्हीं को ही ट्रांसलेटेड किया गया है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में अब तक। द टेक्स्ट इन इट्स एंटायरिटी स्टिल अवेट्स ट्रांसलेशन, लेकिन संपूर्ण पुस्तक या बुक को अभी तक भी ट्रांसलेटेड नहीं किया जा सकता किया गया है। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 6 मेंशन द लेजेंड्स अबाउट मंगोल क्वीन एलन क्वा। मंगोल क्वीन थी एलन क्वा, उसके बारे में एक लेजेंड है, एक किंवदंती है और यानी उसको प्रचारित किया गया है। इट इज नॉट क्लियर दैट इट्स ट्रू और इट्स Not true or false. First, court chronicles drew upon many sources to show that the power of Mughal kings came directly from God. यानी बहुत सारी chronicles में इतिहास में ये बताया गया है कि जो power मिलती है Mughal kings को वो सीधे God यानी अल्लाह या भगवान से मिलती है। One of the legends they narrated was that of Mongol queen एलन क्वा, और एक लेजेंड वे एक कहानी बताते हैं नेरेटेड वाद मंगोल क्वीन एलन क्वा के बारे में। हु वाज इम्प्रेग्नेटेड बाई एरे ऑफ सनशाइन वाइल रेस्टिंग हर टेंट। जब वो टेंट में थी तो वो एक रे यानी रे का मतलब जो अल्लाह ने या छोड़ी थी एक रे किरण के द्वारा वो प्रेग्नेंट हो गई थी। द ऑफ स्प्रिंग सी बोर कैरीड दिस डिवाइन लाइट एंड पास्ड इट ऑन द फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और जो इससे उसके जो बच्चे पैदा हुए वो उनको डिवाइन लाइट एक दैवीय प्रकाश रोशनी मिली और ये जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसमिट होती रही। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 7 हाउ डिड अबुल फजल प्लेस्ड मुगल किंगशिप। मुगल किंगशिप को अबुल फजल ने अपनी राइटिंग में अपनी बुक्स में किस प्रकार प्रदर्शित किया है रखा है। अबुल फजल प्लेस्ड मुगल
किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसीविंग लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड गॉड फॉर ए इजाबी, यानी उन्होंने मुगल किंगशिप को रखा है हाईएस्ट स्टेशन, सबसे ऊंची की उनको जो भी पावर मिली है वो इसलिए बादशाह हैं क्योंकि उनको गॉड ने सीधा ही उनको पावर दी है। और इस प्रकार जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले लाइट एम्परर यानी बादशाह को मिलती है। इस पर एक प्रकार से उन्होंने दैवीय जो डिवाइन जो रूल है डिवाइन डॉक्ट्राइंस को पेश किया है कि कोई भी व्यक्ति गॉड ही अल्लाह को सीधा नियुक्त करता है। हेयर ही वाज इंस्पायर्ड बाय ए फेमस ईरानियन सूफी सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी से प्रभावित हुए हुए वहाँ जिनकी डेथ 1191 में हुई थी। हुन फर्स्ट डेवलप्ड दिस आइडिया, उन्होंने पहली बार सुहाद्दीन सोहरावर्दी ने डिवाइन पावर्स ऑफ किंग को डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इस आइडिया के अनुसार देयर वाज ए हायरार्की इन विच द डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू द किंग। तो उन्होंने कहा कि एक हायरार्की है जिसमें के अनुसार सबसे पहले जो डिवाइन लाइट है वो किंग को मिलती है। हु देन बीकेम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट, और इस प्रकार वह अपने सब्जेक्ट या प्रजा के लिए एक स्पिरिचुअल गाइडेंस यानी एक आध्यात्मिक जो पथ प्रदर्शन है उसका केंद्र बनता है। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 8, डिस्क्राइब द ओरिजिन्स ऑफ सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी फिलोसफी, सुहादीन की जो फिलोसफी थी उसका ओरिजिन क्या हुआ। द ओरिजिन्स ऑफ सोहरावर्दी फिलोसफी वेंट बैक टू प्लेटोज रिपब्लिक वेयर गॉड इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल ऑफ सन, और उस जो इसका जो ओरिजिन हुआ था सोहरावर्दी की जो फिलोसफी थी ये डिवाइन फिलोसफी वेंट बैक टू प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, जहाँ उन्होंने कहा था कि गॉड इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल ऑफ सन की गॉड को उन्होंने एक सन यानी सूर्य के सिंबल के रूप में पेश किया था। सोहरावर्दी'स राइटिंग्स वर यूनिवर्सली रीड इन द इस्लामिक वर्ल्ड, और इस्लामिक वर्ल्ड में यूनिवर्सली माने हर जगह हर समय सार्वभौमिक रूप से सोहरावर्दी की राइटिंग्स को पढ़ा जाता था, उनको स्टडी की जाती। दे वर स्टडीड बाई शेख मुबारक, इसको शेख मुबारक ने पढ़ा। हूँ ट्रांसमिटेड टू हिज सन फैजी एंड अबुल फजल, जिन्होंने शेख मुबारक ने अपने जो बेटे थे दोनों फैजी और अबुल फजल इसको ट्रांसमिट किया, उसको ये नॉलेज दी डिवाइन कंसेप्ट ऑफ गॉड का, एंड हु वर ट्रेंड अंडर हिम। इस प्रकार ये प्लेटो की रिपब्लिक्स ने सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने ली, और सोहरावर्दी के जो डिसाइपल थे शेख मुबारक उसको ये नॉलेज मिली, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे फैजी और अबुल फजल को लिखी। और अबुल फजल आप जानते हैं कि ही वाज ए कोर्ट पोएट इन द कोर्ट ऑफ अकबर, एंड ही वाज आल्सो द राइटर ऑफ अकबर नामा एंड आईन ए अकबरी। टॉपिक 9, डिफाइन एक्सिस मुंडी। एक्सिस मुंडी क्या है? एक्सिस मुंडी इज ए लैटिन फ्रेज, ये लैटिन भाषा का एक फ्रेज है फॉर ए पिलर और पोल, इसका मतलब होता है पिलर और पोल दैट विजुअलाइज्ड एज द सपोर्ट ऑफ अर्थ, और इस प्रकार ये ऐसा दिखाई देता है कि इसी पर अर्थ टिकी हुई है। स्टूडेंट्स फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। क्वेश्चन 1, मेंशन द फीचर्स ऑफ अबुल फजल स्टाइल एंड लैंग्वेज लॉन्ग, राइट ए नोट ऑन अब्दुल हामिद लाहौरी लॉन्ग, डिफाइन ए डायक्रॉनिक अकाउंट वेरी शॉर्ट, राइट ए नोट ऑन ट्रेवल्स ऑफ बादशाह नामा शॉर्ट, राइट ए नोट ऑन एशियाटिक सोसाइटी
लॉन्ग मेंशन द लेजेंड्स, लेजेंड्स का मतलब होता है किंवदंती, यानी जो दंत कथाएं हैं, पुरानी कथाएं हैं जो कि जनता में काफी स्प्रेड फैली हुई होती है, उन्हें बोलता बोला जाता है लेजेंड्स ऑफ द मंगोल क्वीन एलिंक्वा के बारे में, क्या लेजेंड था। हाउ डिड अब्दुल अबुल फजल प्लेस मुगल किंगशिप, मुगल किंगशिप को कैसे उन्होंने प्लेस किया। डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ सिहाबुद्दीन सोहरावर्दीज फिलोसफी, उसका ओरिजिन क्या था, और डिफाइन एक्सिस मुंडी वेरी शॉर्ट। क्वेश्चन 10, विच बुक रिटन बाई प्लेटो, प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी, शॉर्ट वेरी शॉर्ट। और एंड बाई विच लैंग्वेज एक्सिस मुंडी फ्रेज ड्रेव्ड, जो एक्सिस मुंडी फ्रेज है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। थैंक यू वेरी मच।